अब इसका मुंह को देखिए नजदीक से, आपको दिखेगा जो चाइना में ड्रैगन दिखाते हैं ना, वो ड्रैगन के जैसा इसका मुंह दिखता है सामने से, देखने में खतरनाक दिखता है। मर गया, बिच्छू भी निकला था उधर। बताएंगे सैंड बॉय मंडल है नहीं, मालून 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 है। फ्रेंड्स नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे सांप के बारे में जो खामखा बदनाम है। बहुत मासूम प्यारा सा सांप, लेकिन खामखा बदनाम है। बदनामी किस बात की? कि ये सांप करोड़ों में बिकता है। इसके दो मुंह होते हैं, 6 महीने इस मुंह से चलता है, 6 महीने उस मुंह से चलता है, जो बिल्कुल गलत बात है। इसका एक ही मुंह होता है, एक पूंछ है, जो पूंछ है एक देखिए वो गोल रहता है मुंह के जैसा। लोग इसी चक्कर में से दो मुंह का सांप बोलते हैं। सेंड बॉय नहीं, मालून 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 है। इसको सेंड बॉय बोलते हैं इंग्लिश में। ये नॉन वेनमस स्नेक होता है, इसमें वेनम नहीं रहता है। ये जल्दी काटते भी नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा उठाने में गलत तरीके से पकड़ा ना तो काट लेता है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं है। इसमें वेनम नहीं होता है, और ये ज्यादा से ज्यादा चूहों को खाता है। चूहा खाने के लिए ही मिंचू को खाने को आया लगता है। नहीं, वो मिंचू नहीं खाता, नहीं वो चूहे को खाता है, चूहे को, बाद में वो स्क्विरल ऐसे छोटे 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 जीव को खाता है वो, और घर के आसपास ही रहना पसंद करता है वो। इससे कुछ नुकसान नहीं है, घर के आसपास रहेगा तो उतना अच्छा है। और इसको ये लोग दो मुंह का सांप बोल के करोड़ों में मिलता बिकता है, लाखों में बिकता है, ऐसा करता है। तो ये सब ऐसा नहीं काट रहा है, तुमको नहीं काट रहा है, काट रहे वो क्या बोल रहा है सुना है अभी तक। अभी वही जो है हमारे पास था, अभी क्या है इस सांप में जहर नहीं होता है। अगर ये जहरीला सांप रहता तो हम ऐसा नहीं पकड़ते, और ये नॉन वेनमस है, ये काट ले भी तो कुछ होता नहीं, बहुत बार काटा है हमें, इसके लिए हम लोग इसको ऐसा पकड़ा है। और सब सांप पकड़ने का तरीका अलग अलग होता है, एक्टिव रहता है, एक्टिव रहता है। रात को ज्यादा रहता है, रात को क्या ऐसा छत वत में घुस के रहता है वो, और जो छत के ऊपर चूहे दौड़ते हैं ना तो वहां पे बैठा रहता है। एक एक ये ऐसा सांप है, हफ्ते हफ्ते दिन तक एक जगह भी बैठा रह सकता है, 8-8 घंटे तक बिना हिले भी एक जगह बैठता है। अभी वो इतना मुझे लगता है कम से कम 45 मिनट 1 घंटा तो हो जाएगा, अभी तक हिला नहीं। हाँ, तो ये ऐसा सांप है क्या, जिसमें वेनम नहीं होता है, तो इसको इंतजार करना पड़ता है। अभी जहरीले सांप है ना, तो किसी भी जानवर को काटते हैं उसमें वेनम इंजेक्ट होता है और वो मरते हैं या पैरालाइज होते हैं, उसको खाते हैं। इसको क्या, इसमें वेनम नहीं है, इसको पकड़ के उसको ग्रिप में रोल करके टाइट दबा के मार के बाद में खाना पड़ता है। इसके लिए उसको एक ही जगह इंतजार करना पड़ता है, जब साइड से कोई गुजरा चूहा या कोई तो उसको ऐसा पकड़ता है और कॉइल करके लपेट लेता है, और फिर धीरे धीरे उसको सिर की साइड से निगल लेता है। तो ये, और इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या है वो सबको मालूम नहीं, ये सांप जहां भी रहता है ना
वहाँ वो नाग को भी आने नहीं देता है। हाँ? ये नाग से डरता है। हाँ क्यों? अब नाग में जहर होता है वेनम। हाँ? हाँ? और इसे नॉन वेनमस। फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ? तो मैं आपको बताता हूँ, ये अपना एरिया बनाता है मतलब टेरिटरी। एक काम करेंगे बाहर जाएंगे। बिच्छू भी निकला था उधर। अच्छा बाकी का आगे बताएंगे। जल्दी काटते नहीं, लेकिन अगर गलत तरीके से पकड़ने गया ना तो काट लेता है, लेकिन इसके काटने से कोई नुकसान नहीं है। हम लोग थोड़ा डर गए क्योंकि उसको मतलब थोड़ा ये था, वो हम लोग सोचा कि वो अंदर जा सकता है। और मैं बता रहा था कोबरा के बारे में। तो ये क्या करता है, अपना यूनियन ट्रेड मतलब टेरिटरी बनाता है एरिया। उस एरिया में दूसरे किसी सांप को आने नहीं देता है ये वाला। हाँ, अगर समझो कोबरा आया तो ये क्या करता है, वो कोबरा के सामने जाके रुक जाता है और उसको भगाने की कोशिश करता है। तो कोबरा क्या करता है, इसको पकड़ता है ऐसा काटने के लिए, और जब पकड़ता है उसी टाइम ये अपने पूरे बॉडी को कोबरा के नेक पे पूरा लपेट लेता है और टाइट करता है। और इसका मसल्स पावर पाइथन के बाद सबसे पावरफुल पाइथन, उसके बाद अगर किसी स्नेक का मसल्स पावर है तो इसका कोबरा से भी ज़्यादा। हाँ, तो ये क्या करता है, उसके नेक को लपेट के उसको इतनी देर तक दबाता है जब तक कि कोबरा मरता नहीं, तब तक ये छोड़ता नहीं। तो कभी कभी ये भी मर जाते हैं और कभी कभी नहीं भी मरते हैं। तो वही है, अगर ये जहाँ पे है तो कोबरा को भी आने नहीं देता। और रात को सोते ही वो ये क्या है ना, ये हम इंसान के जैसे थोड़े हैं कि दिन काम करेंगे रात को जाएंगे। उसको जब भूख लगी वो निकलते हैं, अपना को चुहा बुआ खाते हैं और फिर कहीं घुस के आराम से बैठ जाते हैं। वही थोड़ा बोलता, इसलिए हम थोड़ा डर गए कि अंदर घुस के ना। इससे डरने की बात नहीं है, ये अभी जो बहुत लोग हैं ना, जब हम उनको इसके बारे में बताते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँ हमारे घर के नज़दीकी चोर दो रहेगा तो अच्छा, चूहे को भी खाएगा और दूसरे सांप को भी भगाएगा। क्या बोलते हैं, सैंड बुआ, सैंड बुआ, गोवा में विटाकस बुआ बोलते थे, विटाकस अर्थ बुआ, नहीं तो मालूम अपना कौन का नहीं। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि हमने सांप को कहाँ से कैसे किया रेस्क्यू किया, और उसके बारे में पूरी जानकारी हमने दी लोगों को भी और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उसको भी। तो इसे हम रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ करने से पहले प्लीज़ मैं सबसे आग्रह करूँगा, अगर आपको इसी तरह के सांपों के बारे में अच्छी और सच्ची जानकारी जाननी है, सच्ची बातें सीखनी है, आपके मन में जो गलत फहमियाँ है अंधविश्वास से दूर करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटे का निशान को दबा दें और जो नोटिफिकेशन है वो ऑल का सेलेक्ट करके क्लिक कर लें, ताकि जो भी हम वीडियोस अपलोड करें ऐसे जानदार शानदार सच्ची जानकारी वाली वीडियो आप देखें। तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हो लोगों तक शेयर करें और सभी तक हमारे वीडियोस को पहुंचाएं, ताकि सभी लोग सांपों के प्रति जागरूक हो, उनके मन में जो अंधविश्वास है वो दूर हो। तो चलिए, अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखिए। अब हम इसे यहाँ रिलीज करते हैं, ये देखिए करोड़ों का सांप हम छोड़ रहे हैं, जैसा लोग बोलते हैं ये सांप करोड़ों में बिकता है, हम करोड़ों छोड़ के रोज जाते हैं हमेशा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा और आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में फिर किसी सांप के साथ, उनकी जानकारियों के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।